हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज की वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है, हम किस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे? सेटिस्फिया फीमेल वर्जन, सेटिस्फिया गड्डी लंबरगिनी। अच्छा, इमरान खान का वो गाना जो है उसको दोबारा से गाया गया है फीमेल वर्जन में। सो लेट्स सी। वैसे इमरान खान का जब भी मेरे ज़हन में नाम आता है तो मेरे ज़हन में जो गाना आता है वो है एम्पलीफायर। मेरे ख्याल से वो एक गाना था जो बहुत एक हाइप सबसे पहले इमरान खान को उसी गाने हमारे बचपन का था। हमारे बचपन का था ये कह सकते हैं। वैसे हम भी अभी बचपन है, हम कौन सा बड़े हो। हाँ, हम तो कभी बड़े होंगे भी नहीं। खैर, हम गाना देखते हैं, ये वाला गाना सुनते हैं। देख, वीडियो भी देखेंगे ना। हाँ, लेकिन गाना सुनेंगे। गाना सुनेंगे, ये वीडियो देखते हैं, गाना सुनेंगे। गाना सुनेंगे, चलें। ठीक हो गया। फॉलो करें @ashofficial22। एंड इस वीडियो में एक मिस्टेक छुपी हुई है तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कहाँ है। सो या थैंक यू सो मच एंड बाय। कहाँ है मिस्टेक? उसमें मिस्टेक है। सबसे मजे की चीज क्या थी वीडियो में? यार मैं तो पहली दफा ये सुन रहा हूँ। शी इज रियली अमेजिंग, शी इज गुड, सीरियसली, ये वेरी गुड वॉइस। ये बात है, शी इज गुड, बड़े अच्छे से उसने वो सारा ठीक है, लेकिन वो जो आए वाला ना वो सबसे मजे का पार्ट था। कौन सा वाला? तू बता। ठीक हो गया, तो सबसे मजे का पार्ट यही वाला था। कौन सा वाला? आए, लेकिन एक और चीज, जब भी आप इमरान खान को देख लो या कुछ और जो इस तरह के गाने गाते हैं, उनकी आप अगर लिरिक्स को लिख लो ना, लिख लो, तो उसमें से निकलता कुछ नहीं है। आए के अलावा कुछ और निकलता। यार ये सारी कंपोजिशन है जो हर कोई बना नहीं सकता, मतलब ये भी एक आर्ट है। हाँ, अब एक और चीज़, ये जो इस तरह का म्यूजिक होता है ना, ये सिर्फ आप म्यूजिक एंजॉय करते हो, इसीलिए मैंने कहा सबसे मजे की चीज़ आए था। आए कहने का मकसद ये था कि आप सिर्फ एक रिदम को एंजॉय कर रहे होते हो, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हो, आप वर्ड्स डजंट मैटर इस चीज़ में ना, वर्ड्स मैटर नहीं करते। लेकिन इसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी थी, अच्छे से गाया, मतलब हक अदा किया उसका जैसा
उन्होंने गाया हुआ था वैसा उसी हिसाब से अच्छा वो अच्छा गाया। और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। बट अगर हम देखें कंपैरेटिव जो पुराने गाने होते थे, थोड़े से पुराने, बहुत ज़्यादा भी पुराने की बात नहीं कर रहे, थोड़े से पुराने, हमने ही सुने हैं वो भी, उनमें बल्कि अभी भी बनते हैं अरिजीत सिंह के कुछ गाने उठा के देख यार, वो मतलब डोमेन और रेंज का डिफरेंस है, वो डोमेन ही हो रहे हैं उन गानों, मतलब यहाँ पे आप और किस्म का आए बेचे होंगे, मतलब कुछ तो हो ना, कुछ तो वही बात आ जाती है ना, जरूरी तो नहीं है कि सारे म्यूजिक लिरिक्स कालियां बारियां गड्डी नू मैं लावा स्पीड में 200 ये बात सामने मैं रुकदा मैं, मतलब ये क्या है गाना है ये क्या गाना है और क्या है, कम ऑन, जरूरी थोड़ी है हर सॉन्ग में वो पोएट्री हो, फिर तो वो पोएट्री रह जाएगी ना, सिर्फ तो पोएट्री होता है सॉन्ग और क्या होता है, सॉन्ग पोएट्री नहीं होता, पोएट्री पोएट्री क्या होती है फिर, पोएट्री क्या, दो अलग चीजें क्यों, एक सॉन्ग एक पोएट्री, सिर्फ पोएट्री कर लें फिर, पोएट्री को जब गाया जाता है तो सॉन्ग बन जाता है विद म्यूजिक, हाँ सिंपली, जरूरी नहीं है कि अब हर सिर्फ अच्छी लाइंस को ही गाया जाए, म्यूजिक और म्यूजिक एक बड़ी रेंज है, पोएट्री उसका एक स्मॉल पार्ट, उठा था मैं उसके बाद बाहर गया सॉन्ग और फिर मैं इधर आया बस सॉन्ग बन गया यार, कम ऑन यार, समझ ले सबसेट है पोएट्री, मैं भी राइटर हूँ, मैं भी म्यूजिक लिखता है तो तू राइटर है, लिख लेता हूँ, लिख के दे देता हूँ, अभी मैं सुबह उठा उठ के मैंने नाश्ता किया, इसका तो सॉन्ग बना सकता है ना, लेकिन वो स्किल्स चाहिए, वो तेरे पास नहीं है, वो मैंने नहीं बनानी, वो म्यूजिक डायरेक्टर ने और सिंगर का काम, मैंने सिर्फ लिख के देना है, हम इस बहस में नहीं जाते क्या सॉन्ग, आज मैंने एक और अपने अंदर एक स्किल दरियाफ्त की कि मैं राइटर भी हूँ, मैं गाने भी लिख सकता हूँ, तो अब मैं मतलब सिर्फ रिदम मिलाना होता है, रिदम मिलाना, चलो इस पे काम करते हैं, मतलब हर तरह के सॉन्ग हो सकते हैं, रिदम मिलाने वाले, अच्छी पोएट्री वाले, तो हम दो बंदे ढूंढ रहे हैं, एक वो जो म्यूजिक डायरेक्टर और एक अच्छा सा सिंगर हो, बाकी गाने एक हमें लिख के दे और एक कंपोज बना के दिया करें, हम फिर अपना नाम प्लेट, नहीं नहीं हम लिख के देंगे ना, हम रिदम इस तरह गाड़ियों शाड़ियों वाले हम लिख के देंगे, ठीक हो गया, तो हमें दो बंदे चाहिए, एक जो म्यूजिक कंपोज कर सके और एक जिस जो अच्छे से गा सके, क्योंकि ये दो हमारे बस की बात नहीं है। ओके, तो ये सॉन्ग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसमें मिस्टेक क्या थी, हाँ ये और अगर आप लिखवाना चाह रहे हैं कोई गाना तो प्लीज रब्ता करें मुझसे, इंस्टाग्राम की आईडी आपको इसकी मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।